हेलो गाइस, वेलकम टू माय किचन कुक दिल से। आई होप एवरीवन इज फाइन एट देयर प्लेस एंड डूइंग वेल फाइटिंग दिस कोरोना। सो टुडे आई एम गोना प्रिपेयर अ वेरी कॉमन बट वेरी नाइस और वेरी स्वीट डिश। और इट्स नॉट स्वीट एक्चुअली, इट्स गोना बी अ वेजिटेबल, बट इट्स अ डिश विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट और आई विल से कि मेरी बहुत फेवरेट है, दैट इज आलू गोभी मसाला। सो I'll not waste the time and I'll show you what ingredients do we require for this. For this, obviously we required aloo and gobi. What I have done, मैंने इसको blanch कर लिया and then I have fried it because I love the way it is fried. Then for the masala, I need chopped onion, chopped tomatoes, coriander, cumin. I need ginger garlic paste for this. I need a bit of chili that is not chopped. But it's cut into round pieces like this, so it gives a nice flavor as well. And when it comes in mouth, it gives a bit of sharpness. So amazing combination. And spices, we do require namak, haldi, dhaniya powder, lal mirchi, a bit of hing, a bit of garam masala. So a perfect combination of everything. Like you can see, ki jaise jaise main baat kar raha hu, there is already water in my mouth. So let's just start cooking. I have taken a kadai और इसमें oil में I'm just gonna add a bit of cumin to start, दो से तीन तेज पत्ता, and then I'm gonna add chopped onion. Wait till the onions get brown, nice golden brown. जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं कि इसमें मेरे जो onions हैं वो completely brown हो चुके हैं, so I'm just adding ginger garlic paste. मैं इसमें ginger garlic paste डालूंगा और इसको भी अच्छे से brown कर। हमारी जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो भी ब्राउन हो चुका है और अनियंस भी अच्छे से पक चुके हैं। आफ्टर दिस मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगा। तो टमाटर इज गोना मेक अ नाइस बॉडी टू द ग्रेवी और द मसाला। एंड एज आर टमेटोज गेट कुक्ड विद दिस, आई एम गोना ऐड द स्पाइसेस, गोना ऐड सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी, धनिया और गरम मसाला। ये जैसे जैसे मसाला पकता जाएगा अब मैं इसके अंदर अपनी हरी मिर्च डाल रहा हूँ, सो दैट इट विल कुक विथ मसाला और ये अपना थोड़ा तीखापन जो है वो छोड़ेगी ग्रेवी में, बट इट विल स्टे अ बिट क्रिस्पी। अगर हम इसको पहले डाल देते तो इसका जो क्रिस्पीनेस है वो खत्म हो जाता है एंड इट माइट हैव लॉस्ट इन द ग्रेवी और द मसाला। अब ये अलग से दिखाई देगी, इट विल कम इन योर माउथ एंड इट विल टेस्ट सुपर। और मसाला इज डन, हम लोगों की जो मिर्ची है वो भी थोड़ी सी पक चुकी है, सो आई एम एडिंग दिस फ्राइड आलू एंड गोभी एंड आई विल टॉस इट विथ द मसाला। आई गोना पुट पोर अ बिट ऑफ वाटर टू दिस सो दैट इट गेट्स कुक विद द मसाला एंड आई विल कवर इट फॉर सम टाइम। गाइस, दिस इज आर आलू गोभी मसाला। आई एम जस्ट गोना पुट अ बिट ऑफ चॉप्ड कोरिएंडर टू दिस, गिव अ नाइस फ्लेवर। दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर आलू गोभी मसाला।